देखो जनन तो बहुत कराए हम लोग, वनस्पतियों में जनन, कोको में जनन, प्लांटियों में जनन, मनुष्यों में जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, कातना जनन कराए, तो हमने का हेलो जनन भी करा देवे के। ए बाबू जनन होगा, जनन किस में जनन होगा? हेलो एल्केन में। सुनो कैंगा होता है जनन, क्लोरो बेंजीन ले लो और उसके क्रिया क्लोरीन से करा दो तो डबल क्लोरीन बनेगा। डबल एक जो बनेगा क्लोरो बेंजीन तो रहेगा, लेकिन उस पर डबल क्लोरीन जो बनेगा, एक तो आपका पी पर रहेगा और एक आपका किस पर रहेगा? मेटा पर, पैरा पर। ओ एम पी पढ़े थे ना आप लोग, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आज आपको क्या पढ़ना है, हेलोजनन। देखो ध्यान से कि अगर हम पहले समझ लो, अगर हम ले लें क्लोरो बेंजीन, का इसको कहते हैं बाबू? क्लोरो बेंजीन, याद करो सीएल का मतलब क्लोरो, ये बेंजीन है। हेलोजनन का मतलब क्या हुआ? हेलोजन सही क्रिया कराना है। हेलोजन सही क्या कराना है? क्रिया कराओ किससे? क्लोरीन से। कौन किसके उपस्थिति में? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो का बनेगा, का बनेगा, बनेगा बनेगा का बनेगा दो आपका बनेगा सीएल सीएल डबल आपका बनेगा। इसका नाम बोलो, सब लोग नाम बोलो, नाम बोलो। वन टू थ्री फोर, तो वन कामा फोर डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन, इसको वन कामा टू डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ कौन अधिक बनेगा, कौन अधिक बनेगा बताओ? सोलो बताओ, है दोनों माइनस तो एक पास रह नहीं सकता है, तो इसलिए कौन अधिक बनेगा? ये अधिक बनेगा, ये अधिक बनेगा और ये कम बनेगा। हो गया, बना लो, दिखाने की जरूरत नहीं है, खुदा बना लेंगे तो। अच्छा कोई जरूरी नहीं क्यों कि जाए, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, दोनों सेम रहना चाहिए। अगर जब बी आर लिखते तो यहाँ पर बी आर टू लिखते, अगर यहाँ पर आई लिखते तो यहाँ भी क्या लिखते हैं? आई एफ लिखते तो एफ यहाँ पर। यह हेलोजन, हेलोजन की क्रिया आप क्लोरीन से कराएंगे, क्लोरो बेंजीन है इसकी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तो हमें दो प्रकार के क्लोरीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है? पी डाई क्लोरो बेंजीन, एक होता है वो डाई क्लोरो बेंजीन, लेकिन वो वाला जो होता है कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि दो क्लोरीन एक पास नहीं रह सकते। ये आने वाला है बोर्ड के पेपर में, ये आने वाला है, लिखा जाएगा। तुम तो पूरा लिख लिया, तो बिहार लिख भी अच्छा नहीं लिखे, राज है इसका एकदम, समझो ढेर चुपचाप बैठ रहा था दिमाग उड़ जाला।